जनपद संभल की चंदौसी में स्थित मंडी समिति में गरीब और असहाय लोगों को खाना वितरित कर रही समाज सेवी संस्था पीएम के आह्वान पर इस समय देश में संपूर्ण लॉकडाउन चल रहा है। इसी को देखते हुए कई समाज सेवी संस्थाएं गरीब और असहाय लोगों की मदद के लिए आगे आई हैं। ऐसा ही एक मामला जनपद संभल की चंदौसी से सामने आ रहा है, जहाँ पर गरीब और असहाय लोगों की मदद करने के लिए समाज सेवी संस्था सामने आई है, जो गरीब और असहाय लोगों को मंडी समिति से खाना वितरित कर रही है। इस विषय में संस्था के सदस्य अनुज वाषणे ने बताया कि उनकी संस्था 31 मार्च से 14 अप्रैल तक गरीब और असहाय लोगों को इसी प्रकार निशुल्क खाना और वितरित करती रहेगी। मंडी समिति की मंदिर समिति जो है मंडी समिति सिंह मंदिर समिति 31 मार्च से जब तक लॉकडाउन चलेगा, जब तक हम निशुल्क असहाय लोगों के लिए भोजन वितरण करेंगे। लगभग 500 से लेकर 700 लोगों के लिए। मेरा नाम अनुज वाषणे है। ये हम 31 मार्च से बांट रहे हैं और जब तक लॉकडाउन चलेगा, जब तक हमारी सेवा सभी असहाय लोगों और गरीब लोगों के लिए समर्पित रहेगी। और रोज कितना लोगों का खाना बनता है? यहाँ रोज तकरीबन 500 से 700 लोगों का खाना बनता है, जिसे हम तहसील स्तर से और अपने जो हॉस्पिटल के जो बंधु हैं उन लोगों के लिए और अपने जो गरीब और असहाय लोग हैं हमारे आसपास, उन लोगों सभी को बांटते हैं हम यहाँ से। और वो लोग हमारे यहाँ से, जैसे आपने देखा अभी ले गए थे, इसी तरह और भी काफ़ी सारे गरीब और असहाय लोग इस भोजन को प्राप्त करते हैं।